राजस्थान सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में बड़े स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका गुरुवार को समापन समारोह आयोजित हुआ। रिको स्वतंत्र प्रभारी मंत्री सुनील परिहार ने बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, उसके बाद अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत छात्राओं ने ओस की बूंदे, हम है लड़की, मन है एक दर्पण एवं तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने बताया कि जो व्यक्ति कभी घर से बाहर नहीं निकल पाया, उन लोगों को अपनी प्रतिभा निखारने का सरकार ने मौका दिया है। पीईओ सांवला राम ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। खेल प्रतियोगिता में कुल 320 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में विजेता टीमों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चार दिवसीय जो खेल समारोह हमने किया, आज उसका समापन का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया के सबसे बड़े ओलंपिक खेल, जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, सबसे ज्यादा आम नागरिकों ने भाग लिया, वे खिलाड़ी जिनको कहीं अगर जगह नहीं मिली, कहीं पर वो रह गए पीछे, गांव से बाहर नहीं निकल पाए या गांव से शहर की तरफ की चकाचौंध में वो गुम हो गए, उन खिलाड़ियों की चमक को दोबारा तराश करके हीरो के रूप में उजागर करने का जो कार्य हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सबसे पहले तो उन तमाम खिलाड़ियों का जिन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जो संदेश दिया है, मैं इनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं और आपसे आग्रह है कि जोरदार तालियों से पहले इन खिलाड़ियों का अभिनंदन और स्वागत करें। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, खेलेगा राजस्थान और जीतेगा राजस्थान। और जीता आप खिलाड़ी हो और आपने खेल की भावनाओं से रहते हुए स्वाद और सद्भाव के जो रंग खेलों के माध्यम से आपने किया, मैं आपको पुनः बधाई प्रेषित करता हूँ कि आपने एक वास्तव में एक इतिहास कायम किया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार मनोज भादु, विकास अधिकारी हनुमान राम, नगर पालिका चेयरमैन राम निवास आचार्य, पूर्व प्रधान गरिमा राज पुरोहित, पार्षद एवं गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।